Okay, hello everyone, this is Civision session 8 and in this session we are going to cover the last topic which is LLP. हम लोगों ने 7th session में ही complete कर लिया था Companies Act, जो कि आपका last chapter है according to the index, but LLP को हम लोग last chapter की तरह complete करेंगे, ठीक है? LLP क्या होती है? Limited Liability Partnership, ठीक है? एक नया law 2008 में आया, 9 जनवरी को Ministry of Law and Justice ने notify किया कि LLP Act applicable है. इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली है कब? 7 जनवरी 2009 को और 2008 के नाम से ये आ गया, ठीक है? ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है. चार शेड्यूल हैं अपार्ट फ्रॉम दिस 81 सेक्शंस. कौन कौन से शेड्यूल है? पहला म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज बताता है ऑफ द पार्टनर. दूसरा, तीसरा, चौथा सिर्फ कन्वर्जन के बारे में बताता है. कन्वर्जन इंटू LLP, कन्वर्जन इंटू प्राइवेट कंपनी इंटू LLP, फर्म इंटू LLP और अनलिस्टेड कंपनी इंटू LLP. लिस्टेड कंपनी डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकती है, लिस्टेड कंपनी को पहले अपने आपको अनलिस्ट करना पड़ेगा एंड देन अकॉर्डिंग टू दी शेड्यूल 4 वो कैसे होगी, कन्वर्ट होगी. अनलिस्ट होने के लिए, लिस्ट होने के लिए LODR एक सेबी की रेगुलेशंस होती है, उनको फॉलो करना होता है. अब हम लोग आते हैं सीधे किस पे, नीड. नीड क्या थी LLP की? सिंपल सी बात है, कंपनी सबके बस का नहीं था ओपन करना. 2008 की खास और बात करें जब 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट नहीं था. But at the same point of time, partnership was too risky to enter into for any individual. तो उनको दोनों की benefit चाहिए थी, मतलब less legal regulations, but also less liability. तो LLP के concept पे यहाँ पे लाया गया, ठीक है? अब LLP का मतलब है कि limited liability partnership, मतलब partnership है जिसमें partners की liability कैसी है? Limited है. Normally partnership में partners की liability कैसी होती है? But यहाँ पे कैसी रहेगी? Limited, ठीक है? अब ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है. बॉडी कॉर्पोरेट मतलब इट इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर, बेसिकली पार्टनर्स, ठीक है? अब बिजनेस यहां पे भी रहेगा. इसमें एक नया टर्म आता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर. कौन होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर? जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, मिनिमम दो होना जरूरी है. और जो भी जैसे कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं मैनेजमेंट देखने के काम के लिए, वैसे यहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं. फिर इसके बाद फाइनेंशियल ईयर, फॉरेन LLP पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट भी साइन करना होता है जैसे कि पार्टनरशिप डीड होता था, एंड पार्टनर्स. ये सारी डेफिनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई सुपर साइंस नहीं है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, ठीक है? इसके बाद इनके ऊपर LLP पे किसी भी तरह का इंडियन पार्टनरशिप का एक प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होता है. पार्टनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स इंडिविजुअल जो ज्वाइन करते हैं LLP को, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं. मतलब दो बॉडी कॉर्पोरेट, दो कंपनियां मिलके LLP बना सकती हैं. एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर अगर ये तीन काम हुआ है. मतलब पहला वो अनसाउंड माइंड का हो, इनसॉल्वेंट हो, या फिर एडजुडिकेटेड एज एन इनसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग. मतलब अभी इनसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है, सिर्फ एडजुडिकेट हुआ है, तो उसको भी हम लोग यहां पे पार्टनर नहीं बनने देंगे. मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, देखो दो तो होने चाहिए, पार्टनरशिप का बेसिक रूल है दो होने चाहिए. मैक्सिमम आप कितने भी रख सकते हो, कोई मैक्सिमम अपर लिमिट नहीं है अनलाइक दी पार्टनरशिप. इसके बाद फिर क्या आता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर. जैसा हमने बताया था दो, ठीक है, एटलीस्ट दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है. अगर दो ही पार्टनर है दोनों ही क्या हो जाएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर. उनमें से एक क्या होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया. एक इंडियन पार्टनर होना, डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है. अगर कंपनीज या बॉडी कॉर्पोरेट मिलकर LLP बनाई है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव आपके पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे, ठीक है? रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब यहां पे कितना है, 182 दिन. हम लोगों ने 120 पढ़ा था कहां पे, कंपनीज में 1% के केस में. कंफ्यूज मत होना, नॉर्मली 182 माना था, वहां एक्सेप्शन 120 का. करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, म्यूचुअल एजेंसी, ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसमें से हम एक भी चीज दोबारा से नहीं बता रहे हैं, ठीक है? इसके बाद सारे फीचर्स अगर आप देख लोगे, और ये सारे फीचर्स आप कंपनी में भी पढ़ चुके हो, किसमें पढ़ चुके हो, पार्टनरशिप में भी, तो उसमें बताने लायक कुछ है नहीं. एडवांटेजेस क्या क्या होता है, एग्रीमेंट पे बेस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जैसे कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है या ज्यादा होती है. इजी टू फॉर्म होता है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है. फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, जितना पैसा चाहिए उतने पार्टनर आप ला सकते हो क्योंकि अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं. एंड इट इज वेरी इजी टू डिसॉल्व ऑल्सो, कंपनी लॉ की तरह एक डिटेल प्रोविजंस फॉलो नहीं करने पड़ते हैं. इसके बाद इनकॉर्पोरेशन, देखो इनकॉर्पोरेशन इसका भी बहुत सेम तरीके से होगा. पहले आपको क्या लाना पड़ेगा, प्रमोटर. बट यहां पे प्रमोटर हम लोग प्रमोटर ना कह के पार्टनर ही कहेंगे, और ये पार्टनर सारे काम करेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट वाले सारे काम ये पार्टनर करेंगे. यहां पे एक स्टेटमेंट भी फाइल होगी जो कंपनी लॉ में हम लोगों ने डिक्लेरेशन के फॉर्म में पढ़ी थी,
यहाँ पे वो स्टेटमेंट होगी। किस चीज की स्टेटमेंट होगी कि जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट थे सबका ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली हुआ है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, नाम होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, जो पार्टनर्स हैं उनके नाम एंड एड्रेस होने चाहिए, और इसके अलावा जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनका नाम एड्रेस होना चाहिए, साथ ही साथ कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट वो चीज मेंशन होनी चाहिए ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी गई है, कितने साल की जेल है? 2 साल की। जबकि पेनाल्टी कितने समय की, कितने की लग सकती है? 10,000 से लेके 5 लाख तक की। फिर आता है आपका इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। जब सारी चीजें हो जाएंगी आप रजिस्ट्रार को भेज दोगे, रजिस्ट्रार इस समय एलएलपी के लिए आरओसी ही रहेगा, वो रजिस्ट्रार विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज या तो रजिस्टर करेगा और सर्टिफिकेट दे देगा, अगर उसे लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट कम आया है तो वो सफिशियंट एविडेंस के लिए बाकी डॉक्यूमेंट भी मंगवा सकता है। क्लियर है? एक बार सर्टिफिकेट मिल गया तो इट विल बी अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड देयर विल बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी। रजिस्टर्ड ऑफिस एंड चेंज देयरिन, आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस देना है बट अगर उसमें कोई भी चेंज होता है तो आपको वो चेंज तुरंत बताना पड़ेगा किसको? रजिस्ट्रार को, एंड रजिस्ट्रार अकॉर्डिंगली वहां पे अपने रजिस्टर में वो चेंज मेंशन कर लेगा। अगर कोई भी एलएलपी इसका कंट्रावेंशन करती है, कितने की लाइबिलिटी है? 2,000 से 25,000 तक की पेनाल्टी लग जाएगी। इफेक्ट क्या है? वही जो एक कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी का इफेक्ट होता है, कैन सू, कैन बी सूड, कैन होल्ड प्रॉपर्टी, कैन हैव अ कॉमन सील एंड डू एंड कैन डन डू एनी वर्क विच इज डन बाय द एनी बॉडी कॉर्पोरेट। सिटीजन राइट नहीं होते हैं, मतलब वोटिंग पावर्स और ये सब चीजें नहीं होती है इन अ कंट्री। फिर आता है नाम, नाम इनका कैसा होना चाहिए? अपने नाम के आखिरी में ये एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखेंगे ही लिखेंगे। कोई भी नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में क्या हो? अनडिजायरेबल या टू आइडेंटिकल, मिलता जुलता नाम किसी से ना हो। रिजर्वेशन ऑफ नेम, आपको सबसे पहले अपना नाम रिजर्व कराना पड़ेगा, जब नाम रिजर्व हो जाएगा उसके बाद ही की आगे की एप्लीकेशन चलेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑब्वियसली बात है, बिना नाम रखे तो आप आगे बढ़ाओगे नहीं, ठीक है। इसके बाद जो एक बार नाम रिजर्व होता है वो 3 महीने के लिए आपके पास अवेलेबल रहता है। 3 महीने में अगर आपने चूज नहीं किया तो रिजर्वेशन हट जाएगा, उस नाम को कोई और भी ले सकता है। एक बार नाम रिजर्व कराने के बाद कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है? 3 महीने। अगर नाम में कोई चेंज है, अगेन आपको किसको बताना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को। अगर आपके नाम में कोई चेंज है जो लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को सही नहीं लगता, सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करने को कह रही है, तो कितने दिन के अंदर आपको चेंज कर लेना नाम? 3 महीने के अंदर, ठीक है। अगर आप ये बातें नहीं मानोगे 10,000 की फाइन है, 5 लाख तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनके ऊपर 10,000 की फाइन है, 1 लाख तक हम एक्सीड कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, जेल के बारे में नहीं, इम्प्रिजमेंट के बारे में लिखा है ना। हाँ, तो शैल मतलब होता है कि उनको सजा दी जाएगी, सजा मतलब फाइन के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन, पार्टनर कौन बन सकता है? जो भी पार्टनर एलपी एग्रीमेंट में एंटर करता है, ठीक है। क्या रिलेशनशिप रहेगा? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो शेड्यूल 1 में दी गई हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी, जो एग्रीमेंट में दी गई हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर कोई रिटन में आपकी अलग से राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जो आपने साइन किया था, तो आपको वो भी रेक्टिफाई, अगर पार्टनर्स कर लेते, सारे पार्टनर्स मिलकर उसको रेक्टिफाई करते कि हाँ अब ये पार्टनर नया बन रहा है तो उसके ऊपर वो जितनी राइट्स एंड ड्यूटीज पहले की थी वो अप्लीकेबल होनी चाहिए, तो होगी। और आखिरी है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं रहता है तो फर्स्ट शेड्यूल में जो बातें लिखी है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी के बारे में वो बातें एज इट इज अप्लीकेबल हो जाएंगी। फिर क्या आता है? सेसेशन ऑफ द पार्टनरशिप इंटरेस्ट। अ पर्सन मे सीज टू बी अ पार्टनरशिप इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर और इन एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर्स एज टू सेसेशन ऑफ बीइंग पार्टनर बाय गिविंग अ नोटिस विद इन नॉट लेस देन 30 डेज। 30 डेज की नोटिस देके भी वो हट सकता है, और जिस मैथड में लिखा हुआ है एग्रीमेंट में उस मैथड के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को डिसोसिएट कर सकता है फ्रॉम दी एलएलपी, ठीक है। अगर वो मर जाता है या एलएलपी डिसॉल्व हो जाती है या फिर वो अनसाउंड माइंड का होता है या फिर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा एज अ पार्टनर फ्रॉम दी एलएलपी। इसके बाद जो भी इंसान जिंदा रहते हुए होशो हवास में फर्म एलएलपी से अलग हो रहा है उसे क्या देना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस, ठीक है। और वो नोटिस डिलीवर होगा किसको? रजिस्ट्रार को। अगर यहां पे द सेसेशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम एलएलपी डज नॉट इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी और टू द अदर पार्टनर फ्रॉम और टू विच टू एनी अदर पर्सन विच ही इंकर्ड व्हाइल बीइंग अ पार्टनर, जो पार्टनर रहते समय जो लायबिलिटीज बनी थी
वो पार्टनरशिप से हटने के बाद खत्म नहीं होंगी, वो रहेंगी, ठीक है, बस कोई नई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। इसके अलावा फिर क्या लिखा है, वेयर अ पार्टनर और एलएलपी सीज टू बी अ पार्टनर अदरवाइज अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द एलएलपी एग्रीमेंट द फॉर्मल पार्टनर और द पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डेथ और इनसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम एलएलपी। क्या क्या रिसीव करेगा वो, जो प्रॉफिट उसके रहते हुए बना और उसका जितना पैसा लगा था, जो कैपिटल अमाउंट लगा था, वो वापस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है कि जो भी फॉर्मर पर्सन और पर्सन एंटाइटल्ड मतलब एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डेथ डिसीज्ड पार्टनर, उसको कोई राइट नहीं मिलेगा आगे के समय में एलएलपी के मैनेजमेंट से इंटरफेयर करने में। अब वो एलएलपी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता एक बार वो सीज हो गया तो। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चेंज इन द पार्टनर, आपको फिर से रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ेगा कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, ठीक है। और एक नोटिस फाइल करनी पड़ेगी कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो भी फीस लगेगी वो आप जमा कर दोगे। अगर आप कंट्रावेंशन करते हो तो एलएलपी होने के नाते आपको कितना पेनाल्टी लगेगा, 2,000 से 25,000 तक। अगर आप कंट्रावेंशन कर रहे हो पार्टनर होने के नाते कितना फाइन लगेगा, 2,000 से 25,000 ईच पार्टनर, कोई दिक्कत। इसके बाद अगेन रजिस्ट्रार चाहे तो इंफॉर्मेशन जो टाइम पीरियड है, पर्सन हू सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी मे हिमसेल्फ फाइल विद द रजिस्ट्रार द नोटिस इफ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट एलएलपी मे नॉट फाइल द नोटिस विद द रजिस्ट्रार इन सच केस नोटिस इज फाइल्ड बाय द पार्टनर। उसको लगता है कि एलएलपी कलेक्टिवली फाइल नहीं कर रही है नोटिस, तो एक पार्टनर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाकर ही फाइल कर सकता है विद इन 30 डेज, ठीक है। और रजिस्ट्रार उस चीज को कंफर्म करेगा किससे, एलएलपी से, ठीक है। एक बार कंफर्मेशन मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो 15 दिन तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो उस पार्टनर के नोटिस को वैलिड मान के रजिस्ट्रार प्रोसीड करेगा, उस चेंज को मेंशन कर लेगा। फिर क्या आता है, एक्सटेंड एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। पार्टनर एक एजेंट होता है, जैसे कि किसके लिए, एलएलपी के लिए, बाकी पार्टनर्स को वो लायबल नहीं करता है। म्यूचुअल एजेंसी यहां पर पार्टनर्स के बीच में नहीं होती है, ठीक है सर, ठीक है सर आपसे, ठीक है। इसके बाद एक्सटेंड ऑफ अ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, एलएलपी इज नॉट बाउंड टू डू एनीथिंग डन बाय द पार्टनर डीलिंग विद द पर्सन इफ पार्टनर हैज नो अथॉरिटी पर्सन नोज दैट पार्टनर हैज नो अथॉरिटी। समझिए, पार्टनर कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिसकी अथॉरिटी उसको नहीं है और सामने वाले को पता है कि उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है, तो उसके लिए एलएलपी लायबल नहीं होगी, पार्टनर खुद लायबल होगा, वो थर्ड पर्सन उस पार्टनर के बीच की बात रहेगी, एलएलपी पे कोई भी आज नहीं आएगी। एलएलपी इज लायबल ऑफ अ पार्टनर ऑफ एलएलपी is liable to a person as a result of a wrongful act or omission on a part of in a course of business. Business का काम करते हुए मतलब authorized काम करते हुए अगर कोई liability raise होती है तो उसके लिए LLP liable होगी। फिर आता है an obligation of LLP whether arising in contract or otherwise shall be solely the obligation of LLP. जैसा हमने कहा separate legal entity है तो LLP की obligation सिर्फ LLP की होगी, partners liable होंगे to the extent of their capital only. और आखिरी है the liability of LLP shall not be met out of the shall be met out of the property of LLP. LLP की liability अगर partners ने capital दे रखा है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ LLP की liability कैसे met out होगी, उससे खुद के property से partners की property को touch नहीं करेगा। Extent of liability of partners, partner is not personally liable directly or indirectly for the obligation referred in subsection 3 of section 27 solely by a reason of being a partner in LLP. Partners liable नहीं होते हैं personally for any act of LLP. This section shall not affect the personal liability of a partner for his own wrongful act or omission, but the partner shall not be personally liable for the act or omission of the other partner in the LLP. Again, missing of mutual agency. Holding out. अगर कोई person, ठीक है, by word या conduct या written में represent करता है अपने आप को क्या कि partner as a of a LLP और उसके बाद भी वो deny नहीं करता है, ना LLP deny करते हैं, person deny करता है, तो वो person liable है किसी भी तरह के लाइबिलिटी के लिए जो उसके कहने पे एलएलपी से किया गया। जैसे मान लो मेरी एक एलएलपी है, विराट कोहली आगे कहता है क्या कि हम तो इसमें पार्टनर है, ना वो डिनाई किया ना हमने डिनाई किया, इस बात को बिलीव करते हुए आप मेरे पास आगे कॉन्ट्रैक्ट लेके कि ये सोचते हुए कि यहां तो विराट कोहली पार्टनर है तो मजा आएगा, अब यहां पर वो विराट कोहली इस बात के लिए लाइबल हो जाएंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक्स, क्लियर है। इसके बाद
Where any credit is received by the LLP as a result of such representation, the LLP shall without prejudice to the liability of that person so representing himself or represented to be a partner shall be liable to the extent of credit received. LLP भी कितना कहाँ तक liable होगी? जितना उसने benefit लिया उस particular representation से, fake representation या estoppel से, उतने के लिए LLP भी liable रहेगी, ठीक है? इसके बाद अगेन पार्टनर मर जाता है तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी किसी भी काम के लिए जो उसके मरने के बाद किया गया है. अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉड कमिट हो रहा है तो लायबिलिटी कैसी हो जाएगी? अगेन फाइन, जेल कितने साल तक की है फ्रॉड के लिए? फाइन, ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है. फिर आता है क्या है, विसिल ब्लोअर. विसिल ब्लोअर मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी जो बॉडी कॉर्पोरेट है कुछ गलत काम कर रही है जिससे पब्लिक का नुकसान हो सकता है तो आप चाहें तो अपने ही बॉडी कॉर्पोरेट अपने ही एलएलपी के अगेंस्ट जाके शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेन दे सकते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विसिल ब्लोअर, ठीक है. तो विसिल ब्लोइंग का मतलब है कि कोई भी पार्टनर कोई भी इंप्लॉई जिसको लगता है गलत हो रहा है वो अथॉरिटीज को जाके बता सकता है. उस तरह के इंप्लॉयज से कभी भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह का डिमोशन, सस्पेंशन, थ्रेटनिंग, हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा. अगर किया जाएगा तो उसके लिए अलग से लायबिलिटी बन जाएगी एलएलपी की, ठीक है, उसको कायदे से ट्रीट करना पड़ेगा. कहने वाली बातें हैं सब, एक बार अपने दोस्त की चुगली करके देखिए कितने कायदे से आप ट्रीट होंगे. एनीवेज, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर. फाइनेंशियल डिस्क्लोजर आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी मेंटेन करना है. कितने समय के लिए? विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, कि आप सॉल्वेंट हैं. अगर आप ये काम नहीं करते हैं, फाइन अगेन 25 से 5 एलएलपी पे, डेजिग्नेटेड पार्टनर पे 10 से 1 लाख का. एनुअल रिटर्न फाइल करना है विद इन द 60 days ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर. नहीं करने पे 25 से 5 लाख, 10,000 से 1 लाख डेजिग्नेटेड पार्टनर. कन्वर्जन के लिए आपका 3 अलग अलग शेड्यूल बना हुआ है, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4. इससे क्वेश्चन आता है ना आपके बुक में, ये दिया हुआ है, इसलिए इस पे ज्यादा दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर, क्या होगा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फटाफट बताइए. सिंपल सी बात है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी, जितने रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके बन जाएंगे. फॉरेन एलएलपी फॉरेन में रजिस्टर्ड हुआ है, इंडिया में क्या है? वर्क ऑफ प्लेस, या फिर आप कह सकते हो प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है. वाइंडिंग अप कर देंगे, वाइंडिंग अप में किस किस सर्कमस्टांसेस में? ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब कौन यहां पे? एनसीएलटी, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज यहां किताब में नहीं दी है बट क्लास में पढ़ा था कि भाई देखो ऐसा है कि जो भी प्रोविजंस इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटीज लग रहे हैं कंपनी लॉ पे वही इस पे भी लग जाते हैं. तो वहां पे भी आरओसी था, यहां पे भी आरओसी है, वहां पे भी ट्रिब्यूनल था, यहां पे भी ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनसीएलटी. तब कब? जब एलएलपी डिसाइड कर ले कि एलएलपी को वाइंड अप करना है बाय ट्रिब्यूनल, 6 महीने हो जाए और पार्टनर कितना बचे हो? 2, 1, ठीक है. इसके बाद एलएलपी अपना उधार वापस नहीं कर पा रही है, बंद करो. अगर उसने कुछ ऐसा काम किया है जो देश के लिए खतरा है, बंद करो. अगर एलएलपी ने डिफॉल्ट किया है लगातार 5 साल के लिए, क्या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंसॉल्वेंसी या एनुअल रिटर्न फाइल करने से, तो भी उसको बंद करवा देगी. या फिर कोई भी ऐसी चीज जो ट्रिब्यूनल को लगता है जस्ट इनइक्विटेबल है, उस ग्राउंड पे भी वो बंद करा देंगे. मिसलिनियस क्या है? कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ाया बताया हुआ है, एक बार इसको देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है. हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं किस पे? डिफरेंसेस पे. अगेन डिफरेंसेस आर इंपॉर्टेंट, हम बार बार कह रहे हैं डिफरेंसेस एग्जाम में आएगा, निश्चित आएगा, कौन सा आएगा बस ये नहीं पता है. तो सारे डिफरेंसेस आपको एक बार पढ़ के जाना है, ठीक है. तो बस इतना ही आपके एलएलपी में रिवीजन के लिए था. तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है, हमारा रिवीजन सेशंस भी टोटल में एंड होता है.